गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम लविका. वेलकम टू लविका क्लासेस. दिस इज पार्ट 4 ऑफ हिरॉन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी. दिस इज एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 5. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज. ये एक हमारे पास रोम्बस शेप का ग्रीन ग्रास उगी हुई है, फील्ड है, मतलब खेत है हमारे पास, जिसके अंदर 18 काउस जो है वो ग्रेस करती हैं, चरती हैं घास. इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, इसकी हर साइड जो है वो 30 मीटर गिवन है हमें. एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर, और इसका जो लॉन्गर डायगनल है वो हमारा 48 मीटर हमें गिवन है. हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फिल्ड विथ ईच काउ बी गेटिंग. एक काउ को कितना ग्रास मिलेगा हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है. उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया. सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन. एरिया ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. मतलब हमें दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है. सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 30, बी इज 30 एंड सी इज 48. ये तीन वैल्यूज गिवन है. सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल में भी हमारी सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय हिरॉन्स फॉर्मूला. एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज 30 + 30 + 48 डिवाइड बाय 2. इनको ऐड करेंगे, 60 + 48 इज 108 डिवाइड बाय 2, दैट इज 54. 54 मीटर हमारी साइड आ गई. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला होता है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस की वैल्यू हमारे पास 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48. 54 एज इट इज, 54 माइनस 30 इज 24. सिमिलरली हेयर 54 माइनस 48 इज 6. फैक्टर्स बना लेंगे हम इसके. इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3 × 3, 24 × 24. इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि इसका पेयर हमारा एज इट इज बाहर आ जाएगा. सी, 6 का पेयर बन रहा है, यहाँ लिख लेते हैं. 3 का पेयर बन रहा है हमारा, उसको भी हम बाहर ले लेते हैं. देन 24, 6 × 3 = 18, 18 × 24 = 432 meter square. ये हमारा एरिया आ गया 432 meter square. अब क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ. उन्होंने पूछा हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विद ईच काउ बी गेटिंग. वन काओ को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेस करने के लिए. वन काओ गेट एरिया टू ग्रेस. तो हमारे पास क्या है, एरिया टू बी ग्रेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउ. जितना एरिया ग्रेस कर रही है काओ, एरिया टू बी ग्रेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउस. कितना एरिया ग्रेस कर रही है काउस, 432. एंड टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है, 18. तो वन काउ कितना ग्रेस करेगी, डिवाइड कर देते हैं. 9 के टेबल पर हम इसे कटिंग कर ले, 9 × 2 = 18. सॉरी, 1 part एक ट्राइंगल का. अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल भी निकालना है, ए सी डी.
तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 432 को, तो हमारे पास आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वन काउ कितना करती है, ईच काउ गेट फील्ड, एक काउ को कितना फील्ड मिलता है फॉर ग्रेजिंग, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउस। एरिया हमारा कितना है, 864 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड कर देंगे 18 के टेबल से भी आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज 9 के टेबल पे कट कर, 9 2 18, 9 9 81, 9 6 54, 2 4 8, 2 8 16, मीन्स 48 मीटर स्क्वायर एरिया वन काउ को मिलता है, मतलब एक काउ जो है वो हमारी 48 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस करती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2 ऑफ एनसीईआरटी। Let's start the question. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. एक हमने umbrella draw बनाना है जिसमें हमें 10 triangular pieces हैं, उसके लिए हमें two different cloth given है, उसका measurement है 20 cm, 50 cm and 50 cm, ये given है और ये triangular shape में है। How much cloth of each color is required for the umbrella? सिंगल कलर के लिए कितना क्लॉथ यूज होगा हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया, तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, दैट इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 50 + 50 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 120/2 इज 60 हमारी एस की वैल्यू आ गई। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज एस, एस इज 60, 60 - 50, 60 - 50, 60 - 20, सॉल्व करेंगे वैल्यू को, 60 × 10 × 10 × 40, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 10, 10 × 10 एंड 2 × 2 × 10, टेक 2 कॉमन, टेक 10 कॉमन, टेक 10 कॉमन, what is left in inside the root is 3 2, so 2 × 10 = 20, 20 × 10 = 200, 200 root 6 centimeter square is my answer। ये हमारा एक कलर का आ गया, उन्होंने बोला है कि दोनों के सेम सेम डायमेंशन है, मतलब सेम साइड गिवन आपको 50 50 एंड 20, लेकिन कलर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एरिया फॉर द फर्स्ट कलर एंड एरिया फॉर द सेकेंड कलर, ये फर्स्ट कलर के लिए आ गया आपका, फॉर फर्स्ट कलर, एंड जो सेकेंड कलर है आपका एरिया ऑफ एनदर कलर दैट इज सेम 200 √6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमने एक का निकाला है, उन्होंने बोला 5 ऐसे कलर्स की हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 है ना, 5 फॉर ईच है, तो यहाँ पे हम इसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000 √6। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 √6 cm². यही हमारा आंसर है।
आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रूट सिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। रूट सिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट सिक्स, टू टू जा फोर, माइनस किया टू, पॉइंट लगाया जीरो, टू का डबल किया तो कितना आ गया फोर। पॉइंट लगाने से क्या होता है, डबल जीरो आ जाती है, तो ये पूरा पेयर हमारा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन। अगर हम यहाँ पे फाइव लिखते हैं तो हमारा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फोर लिखना पड़ेगा, 176, 10, 24। हमारे पास कितना आ गया, 1000 × 2.4 हमारे पास आ जाता है। यहाँ से दोनों का सेम ही है, यहाँ से डेसिमल हटाया 10 तो आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द गिवन फिगर। यह हमें फिगर गिवन है, काइट की शेप में है, इसमें हमारे 3 पार्ट्स है, 1, 2 and 3। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, डायगनल्स गिवन है, दैट इज 32 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 32 सेंटीमीटर, और एक आइसोसेलस ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, मीन्स कितना पेपर इसमें यूज हुआ है हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया, एरिया ऑफ काइट। एरिया ऑफ काइट के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये तीनों का एरिया हमें फाइंड करना है। सी, ये दोनों का ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने मान लिया ये 90 डिग्री है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा 32 है तो ये पार्ट कितना होगा 16 और ये पार्ट भी हमारा कितना होगा 16। मीन्स डी वन इक्वल टू डी टू है यहाँ पे 32। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकालेंगे, इकट्ठा निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है और ये दोनों सेम है, 1 + 1 = 2, 2 से 2 हमारा कट हो गया, व्हाट इज बेस 16, अगेन हाइट इज 16, 16 × 16 इज 256 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल दैट इज 6, 6 and 8। ए की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बी की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है एंड सी की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हमें इसका निकालना है एरिया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इज 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 10, 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 8 इज 2। यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं, 10 का फैक्टर लिखेंगे 2 × 5, 4 को हम फैक्टराइज नहीं करते क्योंकि उसका पेयर है हमारे पास। सी, 2 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, 4 को भी हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 5, 2 × 4 = 8, रूट 5 मीटर स्क्वायर। रूट हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, फिर से करते हैं रूट को सॉल्व, 5, 2 × 2 = 4, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 का यहाँ पे क्या कर लेंगे डबल, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता,
पॉइंट के बाद डबल डेसिमल्स. अब यहाँ पे हमारा 100 है, यहाँ पे हमारे 4 है, यहाँ पे हम क्या पुट कर लेते हैं, 2, 2 टू ज़ा 4, 2 फोर ज़ा 8, यहाँ पे हमने लिख लिया 2, 84, माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 8 इज 1, 16. अब हमारे पास आ गया 2.2, 8 इंटू 2.2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1, 17, ये हमारे पास एरिया आ गया. यहाँ पे हमारे पास 256 इसका, 256 इसका एंड 117.6 इस, अलग अलग आंसर निकालना था हमें इसका, जो हम निकाल चुके हैं. ये पार्ट का इसका 256 अलग है, इसका 256 अलग है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 256, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज 256, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 17.6. मीन्स अगर हम इसको डबल ऐसे यहाँ से इसको रब कर देते हैं, यही आ गया हमारे पास. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास 256 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास 256 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अलग अलग निकालना है इसमें हमें एरिया, फर्स्ट में कौन सा कलर है, सेकंड में अलग शेड है, थर्ड में अलग शेड है, तीनों का आंसर हमें अलग अलग बताना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी. अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स. 16 टाइल्स से एक डिजाइन बनाया गया है, कहाँ, फ्लोर पे. विच आर ट्राइंगुलर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बींग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. जिस जो डिज़ाइन है उसकी जो शेप है वो कैसी है, ट्राइंगुलर है. उसमें 16 ऐसी टाइल्स यूज की गई हैं. साइड्स गिवन है हमें, ए की वैल्यू हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, बी की गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड सी की गिवन है हमें 35 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट रेट पर रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना पे करना पड़ता है, 50. तो हमें आगे कितना लगेगा एरिया, हमें वो फाइंड करना है. नाउ एस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. ए की वैल्यू 9, बी की 28, 35 डिवाइड बाय 2. इनको हम करते हैं सॉल्व. 5 प्लस 8 इज 13, 13 प्लस 9 इज 2 कैरी, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7. तो ये हमारा आ गया 36. ये हमारे पास आ गई 36 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी. सी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35. 36 माइनस 9 इज 27, 36 माइनस 28, 36 में से 28 हम माइनस करेंगे, आया हमारे पास 8. यहाँ पे 36 माइनस 35 इज 1. यहाँ हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36. Same here, 3 into 3 into 3 and here 2 into 2 into 2. Pair banayenge, take 3 out common, ye 2 common and 3, 2 ka pair, kya bacha left, 6, 3 into 2 is 6, 3 3s are 9, 9 4s are 36 root 6. See, 36 into 2.45 इसकी वैल्यू होती है. इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
मल्टीप्लाई बाय 16 कर देते हैं, 16 टाइल्स का फाइंड करना है. 16 इंटू 32 इंटू 2.45 इज 14 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी यहाँ पे गिवन है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल होता है. 50 पैसा को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2. 1/2 आ गया हमारा और हमारे पास ये वैल्यू है 14. जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 NCERT. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 NCERT. अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम. एक फील्ड है जो ट्रेपीजियम की शेप का है. हुज पैरेलल साइड इज 25 मीटर एंड 10 मीटर. इसकी जो पैरेलल साइड्स गिवन है हमें, एक 25 है और एक 10 है. द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, एक 14 है और एक 13 है. अगर ये 13 है तो ये भी हमारी क्या होगी, 13. इतना पार्ट 10 है तो यहाँ पे ये पार्ट भी क्या होगा हमारा, 10. पूरा 15 25 है, इतना 10 है तो ये पार्ट क्या होगा हमारा, 15. ये बन गई हमारी एक ट्राइंगल ADE. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन हम इसका पैरलोग्राम का फाइंड कर लेते हैं. लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ पैरलोग्राम. पैरलोग्राम इज DEBC. DEBC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by using Heron's formula S equal to A plus B plus C by 2. A is 14, B is 15 and C is 13 divided by 2. 8 plus 4 is 12, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, that is 21 meter. Now we have to find the area of triangle ADE, that is S minus A S minus B and S minus C. What is S? S is 21. 21 minus 14, 21 minus 15 and 21 minus 13. Yahan hum solve kar lenge. 21. 21 minus 14 is 7. 21 minus 9 is 21 minus 15. 21 minus 15 is 6, 21 minus 13 is 8. Factor banayenge, 3 into 7, 3 into 2 and 2 into 2 is 8. Start making the pair, 3 ka pair ban gaya, take 3 outside. Similarly 7, similarly 2 and 2. 2 2's are 4, 4 3's are 6. 4 3 is 12. 12 into 7 is 84. 84 meter square is my area of triangle ADE. Now, अब हमें क्या find करना है? Area of parallelogram DEBC. Formula is base into height. What is base? This is base and this is height. But we don't have height. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एरिया आया है इसका, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बेस हाइट निकाल लेंगे. यहाँ से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 84 एंड दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट. ये फाइंड आउट कर लेंगे हम. इसको हम मान लेते हैं m 84 हाफ. व्हाट इज बेस? बेस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 15 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 84 into 2 divided by 15.
दैट इज 168 डिवाइडेड बाय 15. इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया. पुट करते हैं, बेस कितना है हमारा 15. सॉरी, इसका बेस जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 10 है और इसकी वैल्यू है 168 डिवाइडेड बाय 15. इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 2 10, 5 3 15. सी अब 3 5 15 एंड 3 6 18. 56 × 2, 2 6 12, 2 5 10, 10 + 1 is 11. ये आ गया हमारे पास आंसर. नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया, पहले हमारे पास 84 था एरिया ट्राइंगल का, नाउ अब हमारे पास आ गया 112. हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 196 मीटर स्क्वायर. यही हमारा आंसर है, 196 मीटर स्क्वायर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. दिस इज पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 हेरॉन्स फॉर्मूला. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आपको सबसे पहले दिख जाएं. नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.